हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं 31 ईयर वाले प्रॉब्लम कर रहे थे हम, और आज हम लोग का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, NLM। ठीक है, NLM से कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलो देखो मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैसे आप प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को समझो, फिर उस क्वेश्चन को समझो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 2020 में आया था, और ये एकदम मतलब सब लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नीट का जो तैयारी कर रहा है, शायद ही कोई बच्चा जो इसको न कर सके। ये कहता है कि ये पुली है, पुली मासलेस है, और जब कभी भी बताया नहीं जाएगा तो स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल सिचुएशन है, पुली रोटेट नहीं कर रही है, एटवुड मशीन है। ठीक है ना, पढ़े हो ना एटवुड मशीन। तो चलो, ये कहता है कि 6 kg या 4 kg का ऐसे हैंग कर दोगे तो 6 kg वाला इधर एक्सलेट करेगा और 4 kg वाला ऊपर एक्सलेट करेगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन सेम होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन सेम होता है तो वही मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन निकालना है जी के टर्म में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको करने का जो मतलब प्रोसेस है वो क्या है, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ कैसे कर पाओगे। पहले प्रोसेस से करना। प्रोसेस क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, प्रोसेस होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। 3 स्टेप में लॉज ऑफ मोशन के अधिकतर क्वेश्चन बड़े वाले होते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इक्वेशन लिखना, अननोन के लिए सॉल्व करना। 3 स्टेप अगर आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सही सही फोर्सेस दिखाना। टेंशन 6 kg वाले पे टेंशन T ऊपर लग रहा होगा और 6G नीचे लग रहा होगा, और ये एक्सलेशन से इधर आ रहा है। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इक्वेशन लिख दो। ठीक है, चलो पहले इसका भी बना लो 4 kg वाला का। टेंशन ऊपर लगेगा और 4G नीचे लगेगा, और एक्सलेशन से मैग्नीट्यूड से ऊपर जाएगा। एक्सलेशन दोनों में अलग है पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन सेम है। ठीक है, एक्सलेशन ही डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो नीचे लग रहा है ना भाई, एक्सलेशन नीचे लग रहा है तो 6G टेंशन से अधिक होगा। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, पहले वाला का इक्वेशन 6G माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास 6 इज इक्वल टू एम। इक्वेशन नंबर 1 क्या लगाते हैं, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एम ए, ये वाला इक्वेशन लगाते हैं नेट फोर्स। अगर नीचे 60 न्यूटन लग रहा तो ऊपर 50 न्यूटन लग रहा होगा, तभी तो 10 न्यूटन नेट नीचे लग गया जिससे नीचे जा रहा है। आया समझ में ना। चलो ये टेंशन ज्यादा होगा तभी तो ऊपर जा रहा है, टी माइनस 4G दैट इज इक्वल टू 4A। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और टेंशन और एक्सलेशन निकल जाता है। तो चलो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड कर दूंगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा, और 6G में से 6G माइनस 4G दैट इज इक्वल टू 10A, मतलब एक्सलेशन A की वैल्यू आ जाएगी 2G/10, मतलब ये आ जाएगा G/5। तो एक्सलेशन आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन G/5, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑप्शन सही है। और ऐसे क्वेश्चन को जब आप, अगर मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर कहीं देखे होगे आप, तो मैं आपको बहुत अच्छा शॉर्टकट ट्रिक बताया हूँ, एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ये प्रोसेस लंबा होता है यार। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने को एक्सलेशन निकालना ना, तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था। तो एक्सलेशन इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ नेट मासेस। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है एक्सलेशन निकालने का। शॉर्टकट ये है टेंशन निकालने का। शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया था मैं, टेंशन फॉरवर्ड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड मास एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड कौन होता है, जो पुल करता है। ठीक है, समझ रहे ना, जो पुल करता है इसको जो है एक्चुअली 6G पुल कर रहा है, और इधर इसको 4G पुल कर रहा है। ठीक है, इसको 6G नेट फोर्स नीचे खींच रहा है, ये फॉरवर्ड फोर्स है, और ये नीचे इसको पीछे खींच रहा है, लेकिन ये जा ऊपर रहा है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट इसको, जिसको मन में याद है डायरेक्ट याद लगा देगा। ठीक है भाई, 6G और माइनस 4G और डिवाइडेड बाई 10 मासेस, 10 kg मतलब ये आ जाएगा 2G/10 मतलब G/5।
डायरेक्ट एक लाइन में हो जाएगा। जब इसका प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। और इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, इक्वेशन बनाते हैं फिर ही बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इट्स वेरी इफेक्टिव मेथड। चलो ये